मेरे पास आओ। अरण्या, मेरे पास आओ। इतनी सारी तितलियां कहां से आ गए? कमरे में तो कुछ नहीं दिख रहा, बाहर भी सन्नाटा है। यहाँ चेक करती हूँ, यहाँ भी सब सुनसान है। फिर वो तितलियां कहाँ से आई? दादी, दादी यहाँ कैसे आ गई? इन्हें तो इनके कमरे में छोड़कर आई थी। ये सब चल क्या रहा है? भूत? कहीं ये भूत तो नहीं? बाहर तो कोई भी नहीं है। दादी बिना देखे सीढ़ियां कैसे चढ़ रही हैं? कौन है? कौन है? उसने कहा वहाँ
ठीक है मैडम, मैं अभी वहाँ पहुँचता हूँ। प्लीज आप वहाँ जाके चेक करें, बैकअप चाहिए तो इन्फॉर्म करें। जी मैडम। दादी ठीक है? हाँ। दादी, दादी तू ठीक है ना बेटा? सॉरी दादी, मुझे घर ले चल, हॉस्पिटल में रहना नहीं अच्छा लगता। मैं नहीं चाहती कि मेरी मौत हॉस्पिटल में हो। आपको कुछ नहीं होगा दादी, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। बेटा तू लौट आया, अब तो तू मुझसे नाराज नहीं है ना? हाँ पापा नाराज नहीं है दादी, वो आपको लेने आए हैं। सॉरी सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। भाई साहब आखिर बात क्या है? आप यहाँ रोज आते हो, एक बोतल खरीदते हो और बिना पिए सूंघ के चले जाते हो, आखिर तुम्हारे फ्लैशबैक में है क्या? हाँ, किसी ऐसे आदमी को जानते हो जो यहाँ ऑटो वालों को लूटते हैं, पैसेंजर्स को मारते हैं, उनकी जान खतरे में है? हर्षल और संदीप ना? अरे मैं जानता हूं उनको अच्छी तरह से। हर्षल, संदीप,
दरवाजा खोलो, तुम दोनों की जान खतरे में है, कोई तुम्हें मारना चाहता है। पास जा रही हूं दादी, मुझे भूल जाओ दादी। हाँ दादी, दादी दादी दादी, क्यों रहे? कौन मार रहा है इन्हें? सामने क्यों नहीं आ रहा? नहीं जा सकते दादी।